एकता है। ये भारत किसी एक का नहीं है, भारत सबका है। तो आज क्या मजबूरी आ गई है, क्या दिक्कत आ गई है कि आज भारत के लोग आपस में ही इस तरह से लड़ने को तैयार हो गए, तो ये बताएगी ये फिल्म। और एक बड़ा प्यारा मैसेज के साथ में ये फिल्म आ रही है, तो देख करके आप लोग भी बताएं आपको कैसा लगा, और जो हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनका प्रयास कैसा रहा, ये आप लोग जरूर बताइएगा। निरवर जी, इसमें जो वर्तमान जो आप भारत की बात कर रहे हैं, इसमें किसान कुछ है, किसानों का रोल इस भारत में? देखिए, बात वही हो गई कि भारत में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, हर पार्टी में, हर जाति में, हर धर्म में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और सैनिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कोई कौम है जिसमें कि सिर्फ आपके किसान हैं या आपके जवान हैं, सभी लोग। तो ये भारत तो सबका है, वही तो बताने की कोशिश हो रही है। निरंजन जी, इस समय कहीं एक वेब सीरीज है तांडव। दिनेश जी, ओटी प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार से हिंदू जो धार्मिक उन्माद है उसको देखने को मिल रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, कई ऐसे जो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, पर हमारे धर्म का कोई अनादर करे तो उससे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। एक बड़ी बात है, फिल्म का नाम भारत है और हम भारत माता को पूजते हैं, भारत देश का नाम है, तो इसमें महिला का क्या रोल है और किस प्रकार से आप महिलाओं को इस फिल्म के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि भारत को हम सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, भारत को हम अपनी माँ मानते हैं। ये जमीन जो है वो हमारी माँ है, और यहाँ जितने बच्चे हैं वो सभी अपने माँ की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहे हैं। क्या फिल्म में क्या खास, ऐसा क्या खास है जो पब्लिक को देखना चाहिए इस पे? मुझे लगता है कि ये देखने के बाद ही पब्लिक बताएगी कि उनको क्या अच्छा लगा। ये तो हमारे निर्माता और निर्देशक एक संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और शॉर्ट मूवी है तो कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, छोटी सी मूवी है, उसमें आपको वो मैसेज ही देने के लिए फिल्म देखना है। तो मैं अभी बता दूंगा तो आप क्या देखेंगे? अक्षरा जी के हाथों इसका शुभारंभ हो रहा है, राजा साहब के हाथों शुभारंभ हो रहा है, हमारे मनोज टाइगर जी हैं, हमारी जोया हैं, तो ये लोग जो है इस फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे उपस्थित। अगर राजनीति की बात कीजिए, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं जी, तो बात की जाए, तभी अखिलेश यादव ने कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि 350 से अधिक सीटें हमारी अब आने वाली हैं 2022 में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने के लिए आज़ादी है,